कलेक्ट्रेट में अनशन पर बैठने की कही बात। शिवपुर विधायक बाबू जंडेल विगत 37 दिनों से जारी भारत जोड़ो आंदोलन अंतर्गत शिवपुर जिले के विभिन्न गांवों में पहुंचे, जहां भारत यात्रा अंतर्गत भ्रमण के दौरान गांवों में भ्रमण करते हुए ग्रामीणों की अनेकों समस्याओं से विधायक जंडेल रूबरू भी हुए। वहीं ग्रामीण जनता ने भी विधायक बाबू जंडेल को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जहां जनता की पीड़ा और दुख से पीड़ित शिवपुर विधायक ने भारत जोड़ो यात्रा अंतर्गत 38वें दिन शिवपुर जिले के खातूली तिराहे पर जन आंदोलन अंतर्गत धरना देकर विधायक ने मध्य प्रदेश की सरकार से ग्रामीण किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की, जहां जन आंदोलन कर विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि मेरी सरकार से मांग है कि अतिवृष्टि से खराब हुई धान तिल्ली सरसों की फसल का किसानों को मुआवजा दिया जाए, वहीं किसान की जो फसल चौपट हो गई है सरकार द्वारा किसानों के एक वर्ष के बिजली के बिलों केसीसी को माफ किया जाए, किसानों को फसल बीमे का लाभ दिलाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र की तर्ज पर ग्रामीणों को भी आवास योजना में 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक सरकार ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तब तक मेरे द्वारा धरना जारी रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जनता की आवाज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी मैं उठाऊंगा। विधायक ने कहा कि मैं समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, अगर ग्रामीण और किसानों की मांगे सरकार नहीं मानती है तो मैं प्रशासन के समक्ष कलेक्ट्रेट पर गांधी जी की तरह अनशन पर बैठूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। वहीं शिवपुर विधायक द्वारा खातूली तिराहे पर जन आंदोलन के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारीगण किसान ग्रामीणों के साथ ही सबलगढ़ से कांग्रेस नेता कमल सिंह रावत भी उपस्थित रहे। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। मैं भारत जोड़ो यात्रा का मेरा 38वां दिन है। मैं करीब 400 गांव में घूम चुका हूं और 750 किलोमीटर की मेरी यात्रा हो चुकी है। इसमें मेन समस्या किसानों की जो फसल चौपट हुई धान तिल्ली उड़द, उसकी मेरी मुआवजा की मांग थी और पहले भी मैंने दातरदा में चक्का जाम किया था तो मुझे प्रशासक ने आश्वासन दिया कि जल्दी हम मुआवजा देंगे और 38 कंपनी हमने गठित कर दी और सर्वे करा कि हम जल्दी से पैसे डलाएंगे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई न मुआवजा मिला। दूसरा बिंदु मेरा था लाइट का कि किसानों की फसल चौपट है, एक साल का बिल माफ किया जाए, बिजली का केसीसी माफ किया जाए। तीसरा बिंदु मेरा जो फसल बीमा योजना होती है वो पैसे दिलाए जाए। तीसरा मेरी मांग है कि ग्रामीण में गरीबों को जो आवास की योजना है तो शहर के अंदर 2.5 लाख मिलते हैं, नगर पंचायती में 2.5 लाख मिलते हैं, तो ग्रामीण तो शहर में से मिट्टे ले जाता है लोया सीमेंट, तो वही राशि ग्रामीण में मिलना चाहिए। ये 3-4 बिंदु के ऊपर मैंने आज धरना प्रदर्शन किया और कल की जो घटना थी ये सरकार का काम है मुआवजा देना या नहीं देना। हमारी सरकार में हमने हाफ लाइट की 7,000 रुपया, आज वो 27,000 हो गया। हमने हमारी सरकार में हमारा नेता कमलनाथ जी ने केसीसी माफी की 24 लाख किसानों की, जो जो हमने मांगे की थी। ये सरकार का काम है, मेरा काम है, आंदोलन करूँगा मैं, आवाज़ उठाऊँगा और शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें मैं विधानसभा उठाऊंगा। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता में ताकत है। जनता ने जब देश आज़ाद करा दिया तो ये गुंडागिर्दी भी खत्म कर सकते हैं, हम जानते हैं। तो कहने का मतलब है आगे भी आपका आंदोलन और धरना जारी रहेगा? मेरा जारी रहेगा। मैं प्रशासक को मैंने अभी ज्ञापन दिया, अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आगे चल के कलेक्ट्रेट पे, अब मेरा एंड का रास्ता गांधी की तरह अनशन पे मैं बैठूंगा, भूख हड़ताल बैठूंगा, पर मैं न्याय दिला के रहूंगा।